जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट की घोषणा हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने घोषणा कर दी है। 23 प्रवक्ता और 14 पैनलिस्ट की सूची जारी की है। वरिष्ठ पत्रकार प्रताप राव कौशिक को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी जहां पर 23 प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी कर दी गई। और लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? पैनलिस्ट की घोषणा हो गई, प्रवक्ताओं की घोषणा हो गई। देखिए, बिल्कुल हर्षदा, लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम अपने तमाम मोर्चों प्रकोष्ठों में जो पद जो शेष है उनको भरने में लगे हुए हैं। साथ ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सीपी जोशी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की नई कार्यकारिणी घोषणा की, इसके साथ एसपी मोर्चा की कार्यकारिणी सामने आई। लगातार कार्यकारिणियों के गठन का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी कड़ी में जो प्रदेश प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की घोषणा की गई है हर्षदा, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी होती है। आप फेस करते हो पार्टी को जब भी कहीं टीवी डिबेट में आप भाग लेते हो या कहीं कोई बैठक आप देते हैं प्रवक्ता के नाते, तो आप पार्टी को फेस करते हैं। ऐसे में एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, लिहाजा पार्टी ने एक्सरसाइज करने के बाद देर रात ये सूची जारी की, यानी कि इसमें 23 अभी प्रवक्ता बनाए गए हैं और 14 पैनलिस्ट को जगह दी गई है। इसके साथ ही एक प्रदेश कार्य प्रभारी बनाया, मुकेश पाजी को प्रदेश कार्य प्रभारी बनाया गया। अधिकतर नाम वही है अर्जा जो हम लगातार टीवी डिबेट्स में देखते हैं। कुछ नाम इसमें जोड़े गए, जैसे अजनबी सिंह राजभी को बनाया गया है प्रदेश प्रवक्ता। पूजा कपूर लाला भी लगातार नजर आ रहे थे, उनको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। माधोराम चौधरी को बनाया गया है। कुलदीप धक्कड़ है, लक्ष्मण भारद्वाज है, रामलाल शर्मा है, अशोक सैनी है। इस तरह 23 को बनाया गया और करीब 13-14 जो है पैनलिस्ट बनाए गए। पैनलिस्ट का काम भी कम हो गया, इस प्रवक्ता जैसा ही होता है। पैनलिस्ट में उनको जगह दी गई जो अभी उनको आगे और प्रवक्ता के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनावों के रण में है। ऐसे में तमाम विषयों को रखना, मुद्दों को रखना और पार्टी का फेस बनकर चैनल में जाना और कभी किसी विषय पर बैठ देना हो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, तो तमाम आज हालातों को देखते हुए ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा अब इन तमाम जो पैनलिस्ट हैं और प्रवक्ता हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पार्टी तमाम कार्यक्रमों का और जो मुद्दे हैं उनको बखूबी जनता के सामने रखेंगे। जी ठीक है लाल सिंह, शुक्रिया जानकारी के लिए। और सीएम भजन लाल शर्मा का एक पोस्ट भी सामने आया है। वो लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता, पैनलिस्ट एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और डेप्यूटी सीएम रिया कुमारी का एक्सपोस्ट पढ़ा देते हैं। वो लिखती हैं, बीजेपी राजस्थान के समस्त नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश पैनलिस्ट एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी को प्राप्त नव दायित्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भी एक्सपोस्ट आपको पढ़ा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता, पैनलिस्ट और प्रदेश कार्यालय प्रभारी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।